हैप्पी करवा चौथ, ये तो इंग्लिश में ही करना पड़ेगा ना, हैप्पी करवा चौथ। सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप सबका बहुत अच्छा बढ़िया करवा चौथ निकला हो और सबकी बहुत अच्छी हैप्पी ब्लेस्ड लाइफ हो विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अभी तो पूरा दिन की फास्टिंग के बाद अब आप विधि पूछ रहे हो तो सोचो क्या हमारे फ्यूज उड़ चुके हैं। बट यस, अच्छा दिन निकला है और खाली पेट रहना होता है इस दिन। फास्टिंग करते हैं, सुबह सरगी खाते हैं और विद द एंटायर फैमिली, और अब जाके चांद को देख के फास्ट तोड़ेंगे। यस, बड़ी पुरानी मान्यता है हमारे हिंदू राष्ट्र जब से बना है तब से ये प्रथा चल रही है कि हम अपने पतियों की लंबी आयु के लिए हम ये व्रत रखते हैं। सुबह सुबह 4:30 बजे सब लोग तैयार होके नहा धो के सब पहले सरगी खाते हैं, फिर सरगी खा के इकट्ठे सब इकट्ठे बैठ के उसके बाद 4:30 के बाद सब यहाँ मंदिर में इकट्ठे होते हैं। यहाँ बड़ा पुराना ये सिस्टम चल रहा है और इकट्ठे पूजा करते हैं। फिर आज पहले 8 बजे चांद निकल जाएगा, आज तो बहुत जल्दी है, तो सब अर्घ देंगे उसके बाद खाएंगे और सारा दिन बड़ा अच्छा निकलेगा। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ देम एंड आई जस्ट वांट दैट ऑल द फीमेल्स टुडे हैव केप्ट द फास्ट फॉर द लॉन्ग लाइफ फॉर देयर हस्बैंड्स एंड आई विश गुड लक टू एवरीवन। थैंक्स, हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन। रिपीट हिंदी में। आज हम करवा चौथ का त्यौहार मना रहे हैं। हम यहाँ 5 मंदिर में आए हैं, पूजा करने आए हैं और ये हम व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए रखते हैं। और इस दिन हम लोग व्रत रखते हैं, सुबह सरगी खाते हैं और रात को चंद्रमा देखकर ही व्रत तोड़ते हैं। और ये बड़े साल में एक बार ही आता है, हम बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और यही कामना करते हैं कि सब ऐसे ही हमेशा ऐसे ही हम मनाते रहें, ऐसे ही आते रहें। अपनी गोदी में सिर रखकर विलाप करने लगेगी। हे गणपति महाराज जी, हे शिव पार्वती जी का पूजन करने के लिए शरीर इकट्ठे होकर